सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक, कैसे आप सभी लोग और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, डार्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क टू और डाई का। तो गाइस आर्क टू और डाई के पिछले एपिसोड में गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पे हो गए थे कांड भाई, हमारा एक सब्सक्राइबर जिसका नहीं निकल लो भाई, भाई नहीं यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इंट्रो अंदर ही मार लेता हूँ भाई। ये बॉस है गाइस, अगर आपको बताने तो मैं बता देता हूँ, स्केलेटन जो भाई स्टेगो ने ट्रैक था ना गाइस, वो बॉस था भाई, बेस के बाहर स्पॉन होने लग गए बॉस गाइस। ऐसे पिछले एपिसोड में हुआ था, एक लावा गोलेम बॉस अपने सब्सक्राइबर के बेस के अंदर स्पॉन हुआ, मतलब बेस के बाहर स्पॉन, और पूरा बेस उड़ा के साथ में उसके भाई 5-6 डायनो भी मार दिया। और इनसे बचने के लिए ना मैंने यहाँ पे देख रहे हो ये शील्ड लगा रखी है, जब भी मैं ऑफलाइन जाता हूँ ना एफके तब मैं शील्ड चालू करके जाता हूँ, क्योंकि शील्ड जो ना गाइस कोई तोड़ नहीं पाता, मेटल का डोर वैसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, बट इनकेस अगर किसी ने तोड़ दिया ना तो ये शील्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं जो ना ये शील्ड लगा के जाता हूं भाई। प्रोटेक्शन जरूरी है वरना सारे डायनो मर जाएंगे, मैं बाहर ही रखता हूं। तो गाइस अभी जो ना गाइस इंट्रो मार लेते हैं, स्वागत है आप सबका डुअर डाई के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो ना गाइस यहां पे वैसे पिछले एपिसोड जो ना गाइस पनौती से भरा था, हमारे सब्सक्राइबर का घर उड़ गया, तुम्हारे भाई का जो हल्क था भाई, हल्क नहीं सॉरी, मतलब अपना जो भाई ग्रिफिन था पॉइजन वाला, जिसके लिए बंदों ने भाई भाई हल्क, शी हल्क, ग्रीन हल्क, क्या क्या नाम डाले थे भाई, वो नाम में भाई आज जाके अभी जब सुबह वीडियो अपलोड हुई तो पढ़ा तो मेरे को रोना आ गया यार, क्या करूँ मैं, मतलब बेचारा मारा गया यार, बेमतलब मारा गया गाइस, मिड कलेक्ट करने के नाम पे जो ना गाइस यहाँ पे मारा गया था पिछले एपिसोड में, हमारा प्यारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा जो है ना गाइस वो ग्रिफिन। एंड उसके बाद हमने जाके ये वाला जो भाई इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी लाइटनिंग वाला जो ग्रिफिन है ना 610 लेवल का, इसको टेम करा था। एंड उसके बाद हमने ये खतरनाक सा जो ऑर्डर है इसको भी टेम करने का काम करा था। और अभी आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले, आज मैं सोच रहा हूँ कि जाके थोड़े से पावरफुल डायनो टेम कर लूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ना गाइस फुल टू तबाही चुरे, काफी खतरनाक वाले डायनो जो ना गाइस वो आ रहे और एकदम फुल टू भाई बैंड बजा के जा रहे, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आज जो ना गाइस कोई पावरफुल सा डायनो, कोई भी भाई पावरफुल सा डायनो टेम करने की कोशिश करने वाला हूं। तो चले गाइस बिना किसी देरी के आज का जो डू और डाई का जो एपिसोड है वो शुरू कर दे। वैसे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गेमिंग विद एंड और हमारे व्लॉगिंग चैनल का, दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। आर्क हंटेड की एक ओपीसी सीरीज एनी के चैनल पे हम लोगों ने चालू करी, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो मैं बोलूंगा जाके देख लो, क्योंकि काफी ज्यादा ओपी वाली सीरीज है गाइस, ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चले गाइस करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत। और बाकी मैं जो ना कि सबसे पहले यहां पे क्या बनाने वाला हूं बताए कि हील गाइस, ओ हील यहां पे नहीं बनता क्या, हील आई थिंक इसके अंदर बनेगा भाई, हील कहां पे बनता है यार, एक मिनट रुक जाओ, हील इसमें ने, अच्छा हील इसमें बनेगा क्या, हील कहीं तो बनता है, अच्छा हील इसमें बनेगा, मेरे को हील बनाने दो भाई, ठीक है, हील बनाने के लिए रेयर फ्लावर जो ना गाइस वो लेके आया हूँ मैं भाई, ठीक है, 1200 रेयर फ्लावर, अच्छा भाई रेयर फ्लावर कम पड़ रहे थोड़े, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भाई हाइट भीड़ है ना गाइस, हाइट भाई पिछली भाई एपिसोड में अपन को बॉस को मारने से मिला था, और एक चड्डी भी मिली है यार अच्छी वाली, ये चड्डी का क्या कर लू, देख रहे हो चड्डी मिली अजीब वो गरीब भाई, पहन लूँ क्या, प्रोटेक्शन मिलेगा एकदम तगड़ा वाला लग रहा है, क्या बोलती पब्लिक, एलिमेंट भाई पहन ही नहीं सकता, अच्छा पहन लिया, ओ अरे नीली नीली चड्डी बोलते ब्रो भाई, खतरनाक है, चला आ जाओ, बाकी हिल उठा लिए क्या, हिल के साथ साथ मेरे को टेम हेल्पर भी चाहिए गाइस, मैं टेम हेल्पर बना लेता हूँ, टेम हेल्पर आई थिंक यहाँ पे बनेंगे क्या, मैं बता नहीं गाइस, मैं देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे टेमिंग पोशन ये रहे भाई, टेमिंग पोशन बनाने के लिए भी जो सामान चाहिए वो अपने पास मैक्सिमम पड़ा, 100 बन सकते यार, वाह भाई वाह, काफ़ी बढ़िया, चाहिए क्या होता है, अच्छा नार्कोटिक चाहिए होता है, इसमें कौन सी बेरी कम पड़ेगी, आई थिंक स्टीम बेरी या नार्को बेरी कम पड़ जाएगी, बाकी 100 भाई 106 टेम हेल्पर बन चुके हैं। अभी बताओ खाली बस भाई नाम बताओ कौन से डायनो को टेम करूँ मैं भाई, ठीक है रुको, पहले जो फालतू का सामान है ना जो मेरे किसी काम का नहीं वो इसके अंदर डाल दो, बेरी बेरी कहाँ से आ गया यार मेरे पास है, बाकी गाइस काफ़ी ज़्यादा फालतू का सामान मेरे पास बड़ा भाई, वो सारा का सारा यहाँ पे अंडर डालने दो भाई, ठीक है चलो, काम 25 है ना मेरे भाई, हाँ हो गया काम 25, चलो भाई अभी जल्दी फटाक से, और यहाँ पे जो है ना गाइज अपन ग्रिफिन लेके जाएंगे ना गाइज, एक मिनट रुक जाओ, ग्रिफिन लेके जाने से पहले ऑटर की पहले हेल्पफुल कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा बताए, बाहर
जो कलवा का लोंडा भाई खड़ा है ना गाइस, वो ट्राई कर, उसको पहले तो मैं चेपूंगा भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी तरीके से। और एक काम कर, इसके अंदर ट्रैकर डाल देता, क्योंकि उसको मारने के बाद अगर कोई खतरनाक सा वहां पे भाई डायनो भी ना स्पॉन हुआ, बॉस भी स्पॉन हुआ ना, तो अपनी नहीं, अपने ऑर्डर की बैंड बच जाएगी। अपनी तो बचेगी लेकिन साथ में ऑर्डर की भी बच जाएगी, इसलिए ऑर्डर को बचाने के लिए जो है ना गाइस, मैं उसके अंदर ट्रैकर डाल के रखा है, ताकि अगर कोई बॉस भी स्पॉन हुआ ना तो मैं फटाक से रिस्पॉन होकर जो है ना गाइस वो कर सकता हूँ भाई, ठीक है। What the? मैंने इसको फ्रीज कर डाला? मटर? माँ की भाई 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 भाई, ये कौन सी अनहोनी शक्ति है इसके पास? माही मार रहा है भाई, माही मार रहा है भाई, फ्रीज कर सकता है भाई अपना ऑर्डर भाई, फ्रोजन सॉलिड भाई, फ्रोजन सॉलिड भाई, ऑर्डर सर यू कैन डू इट, ऑर्डर तू अकेला अपनी जान है भाई, तेरे बिना कोई नहीं है, तेरे बिना कोई नहीं भाई, यहाँ पे करेगा तो तू ही कर पाएगा। बाप रे, नहीं लग रहा है कर पाएगा यार भाई, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा भाई, इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को थोड़ा सा भाई, लूंडे ने मेरी भाई बहुत ज्यादा इसे डाउन कर लिए, माई मार रहा है, कम ऑन भाई, कम ऑन यार, ये ट्राई किया मजाक है भाई, ऑर्डर तेरा डैमेज इतना कम कैसे हो गया मेरी बात तो भाई, कितना ज्यादा डैमेज था दे रहा, आई थिंक ये भाई कुछ ज्यादा खतरनाक। अरे कल हमने मारा था वो बॉस नहीं था गाइज, कल मारा था वो डाइनो था, हमने कल डाइनो को मारा था ना कि बॉस को, मैं भूल गया भाई, ऑर्डर भाई, ऑर्डर की जान गई जो है ना गाइज, जो यहाँ पे भाई खतरे में थोड़ी सी, बाकी मैं फटाक से इसको हिल खिला देता हूँ भाई, ठीक है, वेट अ मिनट भाई, एक हिल खिला दिया मैंने, मैं नहीं चाहता अपना लोंडा जो है ना गाइज जो मारा जाए यहाँ पे, लाइटनिंग छोड़ता है, लाइटनिंग छोड़ता है, तेरे को लग रहा है लाइटनिंग से डर जाएगा मैं, हैं लाइटनिंग से डर जाएगा, रुक जा रुक जा भाई, ये ले फ्रोजन सॉलिड ना मेरे भाई, फ्रोजन सॉलिड, अगर दौड़ दौड़ के आऊंगा तो, ओ दौड़ दौड़ के आता हूँ तो मेरा डैमेज ज्यादा पड़ता है इसको, बग बेस गैक, बग बेस गैक, अभी तो मैं दौड़ दौड़ के आऊंगा भाई, दौड़ दौड़ के आऊंगा भाई, बग बेस गैक, दौड़ दौड़ के आएगा मैं भाई, भाई दौड़ दौड़ के अगर मारूंगा ना तेजीगल तेजीगल तेजीगल, तो इसको जो ना गाइस, ये बात, रुको रुको, दौड़ दौड़ के आओ, पार्टनर से हेडशॉट, एक बॉस को मारने में कितनी बैंड बज रही यार हमारी, कैसे दिन आ गए भाई, कहाँ पे भाई, हम कितने ज्यादा खतरनाक थे, वन वन शॉट मारा करते थे लोंडो को, और आज दिन देखो भाई क्या आ चुके हैं भाई, अगर इसको मारने के बाद कोई बॉस स्पॉन हुआ ना भाई, तो भाई ऑर्डर की डायरेक्टली बैंड बज जाएगी गाइस, ठीक है, डायरेक्टली बैंड बज जाएगी, ऑर्डर जो है ना जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा यार लोंडा बना, समझ रहे हो, बेस क्या बर्निंग डैमेज दे रहा है यार, बर्निंग डैमेज दे रहा है, ठीक है भाई, मैं तो कल्टीज कल्टीज मार दूंगा भाई, डायरेक्टली कल्टी मार दूंगा बेस के यार भाई, एक और फ्रोजन सॉलिड डाल, हाँ भाई गया फ्रोजन सॉलिड, चलो मार दे और देखो कोई स्पॉन हो रहा है क्या, क्यों पंगा लिया मैंने, अबे यार क्यों पंगा लिया मैंने भाई, पछतावा हो रहा मेरे को, एक ही डायनो था अपने पास गाइस जो सबकी बैंड बजा सकता, खाली एक ही डायनो, उसकी भी बैंड बजी यार गाइस, मतलब अरे भाई क्या बोलूं, समझ नहीं आता भाई यार, अपनी फूटी किस्मत क्यों है गाइस, जैसे हैं भाई, मतलब कैसे कैसे हो सकता है भाई, ये को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, भेज गया कि मेरी किस्मत सच में इतनी ज़्यादा भाई फालतू है क्या, मतलब क्या पनौती क्या लगी है भाई, पिछली बार अपन भाई हाँ हीलिंग पोशन खुद खा ले ऊपर से, अभी अलग से भाई ये पैड पैड पनौती बैंड गई की पिछली बार गाइस, ग्रिफिन मारा गया जो कि सबसे ज्यादा ओपी डायनो था, अभी हमारे पास सबसे ज्यादा ओपी डायनो कौन था भाई, हमारा पैरा पैरा सा शील्ड एक्टिव कर ले अंदर आ सकता है लोंडा, हमारा पैरा पैरा सा ऑर्डर, इस बार हमारा ऑर्डर खिल गया भाई, किस्मत ही है भाई, झंडो चुकी है भाई, किस्मत ही झंडो चुकी है, कुछ बोल नहीं सकते गाइस, मतलब क्या बताऊं अभी आपको यार, छोड़ आ जाओ, चलो चलो गाइस, गाइस आरआईपी ऑर्डर लिख देना, बेचारे की आत्मा को शांति मिलेगी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी तो मिली जाएगी गाइस, भाई क्यों भाई क्यों, वो मॉडर छोड़, मैं इसको मार भी नहीं सकता अभी बदला लेने के लिए यार,
इसको मारने के चक्कर में मेरा घर बिक जाएगा पूरा, समझ रहे हो? घर नहीं बिक जाएगा, तेरा भाई बिक जाएगा पूरा का पूरा। अभी ये डिस्पॉइंट भी हो गया होगा, मेरे को मार के देखना गाइस, डिस्पॉइंट डायरेक्टली, देखो देखो देख रहे हो, वाह देखो डिस्पॉइंट। मैं नीचे उतर के ना, ये मेरे ऑर्डर की पेटी गाइस, मेरे ऑर्डर की पेटी, ये देखना ना, देखना ना प्राइम ऑर्डर की पेटी। केरिटिन लेके बैठा था यार, उसको मार के बेचारा केरिटिन लेके बैठा था, सोच रहा था पप्पा को मतलब मेरे को देगा पहले, लेकिन बेचारा मारा गया यार। एक मॉड बहुत घटिया है यार, मेरे को नहीं खेलना, मोगी हूँ मैं जा रहा भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, अभी तो ऐसा डाइटू टेम करके लाऊंगा ना भाई, खत्म भाई। मेरे को टॉर्पोर देने वाला आनाकोंडा बाहर में जाए, आनाकोंडा आज टेम होके रहेगा, होगा ना डेम, पता नहीं यार डेम होगा कि नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा गाइस उसको डेम करने की, बाकी तो भाई पता नहीं गाइस क्या होगा, देखते चलो भाई, मैं कोशिश पूरी करूंगा भाई उस आनाकोंडा को जो ना गाइस डेम करने की। बाकी नया माउस भाई डाला हुआ है, दिक्कत हो रही है हैंडल करने में ग्रिफिन शिपिन को, देख रहा हूँ डायबॉम्ब भी डिग्जे नहीं लग रहा। लोंडो ने घर बना रखे बेटा जी, भाई हम टीले गए थे आप भी ढीले जाओगे, टेंशन नहीं लेना। बाबरे घर, अरे 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 भाई ये क्या घर है? अच्छा रूइंस, रूइंस इतना ज़्यादा ओपी वाला रूइंस होता है क्या? अबे घर के अंदर बंदा घुस जाएगा यार तुम्हारे, हैं? ये देख रहे हो क्रिएटिविटी दिखा रहे लोंडे, क्रिएटिविटी दिखा रहे, रूइंस के आजू बाजू पूरा घर बना डाला अपना भाई, देख रहे दरवाजा लगा दिया है भाई, दरवाजा लगा दिया है, ठीक है चलो करने दो करने दो चलो करने दो। लग रहा है ताजमहल बना रहा है लोंडा, इसको ये पता नहीं कि यहाँ पे एक आध ब्रोंटो गलती से मार देगा ना तो इसका घर पूरा का पूरा जाएगा भाई, ठीक है पूरा का पूरा चला जाएगा। चलो आ जाओ भाई, यूनिकॉर्न शूनिकॉर्न दिखाई दे रहे लेकिन मेरे को उनको टेम नहीं करना है, मेरे को भाई एक ऐसा पॉइजनस स्नेक टेम करना है ना जो पॉइजनस स्नेक किसी को भी नॉकआउट कर ले भाई, ठीक है किसी को भी भाई। यहाँ पे बंदों ने भाई घर तो काफ़ी सॉलिड वाले बना रखे भाई। ओ मेघलाडॉन यार, बाहर में जाए मेघलाडॉन, गाइस फोकस फोकस भाई। और अपने पास उसको टेम करने के लिए क्या है, खाली एक बोला, एक बोला के अलावा तुम्हारे भाई के पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है खाली एक बोला है, वो बोला से जो है ना कि अपन को जिसको भी नॉकआउट करना है भाई उसको ट्रैप वो करना पड़ेगा स्टन, एंड उसके बाद नॉकआउट करना पड़ेगा। यार मेरे को माउस चेंज करना पड़ेगा भाई, ये माउस का भाई शेक जो है ना मतलब ऐसा ही, अरे भाई लोंडे नया बेस गाइस, जिसको उड़ाड़ा ले गया, उड़ाड़ा ले गया क्या रे यार, मार रहे भाई मार रहे मार रहे, रॉकेट लॉन्चर लेके आता और इस बेस का पूरा भाई गेम बजा डालता भाई, मार रहा भाई मार रहा। चलो कोई ना इनको अपग्रेड करने दो, मैं रॉकेट लॉन्चर लेके आऊँगा भाई, भाई फोकस गाइस फोकस फोकस फोकस, बार बार मेरा फोकस जो ना गाइस वो हट रहा है, इससे क्यों पंगा लेना चाहता था, क्यों क्यों मौत मौत भाई यार, ये मैं पंगा नहीं लेना चाहता था, मैं डाई बॉम्ब, ये देखना गाइस कितना शेक कर रहा है गाइस ये माउस, रुकना गाइस रुकना 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 रुकना, ऐसे तो मेरा गेम बच जाएगा गाइस, ठीक है मेरा सॉलिड वाला गेम बच जाएगा, रुको 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 रुको, अपन फटाक से माउस चेंज करते उसके बाद आते हैं गाइस, इसे कंट्रोल कर पाना ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गाइस, ठीक है वेट अ मिनट गाइस, अब भी भाई प्रोफेशनल, अब भी कैसा उड़ेगा तेरा भाई, भाई नया माउस मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये वाला माउस जो ना तो थोड़ा खराब हो चुका है, बट आर्क में जो ना कि जिसकी सेंसिटिविटी जो ना कि अपन को एकदम परफेक्ट लगती है गाइस, ठीक है सो अपन ना एकदम मस्त हो कि मक्खन मार के इसको ऐसा चला सकते हैं ना, मेरा बाची पट से लाइटनिंग दे रही कलना काल, नहीं फोकस फोकस, पता है मेरे को गाइस काफी ओपी ओपी वाले डायनोस दिख रहे हैं, ठीक है मेरे को उनको टेम करने का मन कर रहा है, बट गाइस सबसे पहले हमको किससे बदला लेना है गाइस, ऑटर, आपको पता है भाई मेरे को अगर क्यूट डाइनो में नंबर वन पे तो ऑटर आता नहीं, लेकिन फिर भी गाइस ऑटर बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, ठीक है और उस ऑटर को मारने का दुस्साह जो है ना गाइस यहाँ पे इन मूर्ख कौन था वैसे वो आर्मर्ड गीगा था या बायनी गीगा था पता नहीं गाइस, आई थिंक आर्मर्ड गीगा था ना गाइस, मैं देख भी नहीं पाया यार उसको, मैंने क्या सोचा पता है क्या, मैं अगर उसके ऊपर बैठा रहता ना तो भी मेरी पेटी बनना कंफर्म था, क्योंकि वन शॉट डायरेक्टली मेरे को और ऑटर को मार देता, मैंने सोचा कि ये मेरे ऊपर अटैक करे उससे पहले मैं नीचे उतर के ऑटर को क्रैक कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था कि इसने एक बाइट दिया तो ऑटर के साथ साथ मैं भी लुढ़क जाऊंगा, इसलिए मैं जो ना गाइस नीचे उतरा एंड आगे क्या हुआ आपको पता ही होगा भाई, ठीक है क्राइव करना का मौका हमको मिला ही नहीं उससे, पहले बेचारे की बैंड बज गई यार। और ये अनाकोंडा लोग कहाँ पे चले गए ये भाई, अरे विलुप्त हो गए क्या अनाकोंडा लोग यहाँ से, अबे यार लाइटनिंग मीटनिंग भाई मेरे को ये मिल रहे भाई इनका क्या जाडल, ओ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ यार, ये नहीं चाहिए मेरे को भाई, ये ना ही चाहिए, पॉइजन आउल कर लूँ क्या, पॉइजन अर्जेंटिविज है भाई आउल नहीं है वो,
जन अर्जी गल्लू क्या गाइस, वो कहाँ पे चला गया? एनाकोंडास कहाँ पे चले गए? एनाकोंडास की स्पॉन लोकेशन मेरे को लग रहा है चेंज हो गई गाइस, पहले यहाँ पे होती थी, मेरे को लग रहा है कि अभी स्वाम्प बायोम में चली गई होगी गाइस। ठीक है, मेरे को लग रहा है अभी स्वाम्प में चले गए सारे, यहाँ पे तो एक भी एनाकोंडा नहीं दिख रहा। तो पीछा अलग कर ले भाई, बस क्या करूँ अभी मैं समझ नहीं आ रहा है। मेरे को टॉर्पोर देने वाला लोंडा चाहिए। तेरा टॉर्पोर कितना है, कैसे दे पा रहा है? अरे यार तेरा स्टैमिना भी इसी टाइम पे खत्म होना था क्या लोंडे? कितना दे पा रहा है? अरे भाई इसको तो इसने पेल डाला उल्टा, टॉर्पोर तो दिया नहीं गाइज, लेकिन इसने फायर आर्जी ने मार दिया भाई। टॉर्पोर किंग जो है ना गाइज, मेरे को दो टॉर्पोर किंग पता है। एक तो गोरिल्ला कर सकता हूँ मैं वन शॉट डायरेक्टली गाइज, वन शॉट डायरेक्टली नॉकआउट कर लेगा। बट गोरिल्ला को भाई ये करने के लिए मेरे को ट्रांसमीटर बनाना पड़ेगा, और ट्रांसमीटर के लिए मेरे को पहले डायनोस को बॉसेस को मारना पड़ेगा। चलो एक काम कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए क्या कर लेते बताएं? भग गए इसके, हाँ ये भग गया। ठीक है रेक्स वहाँ देख भाई, मेरा पहले दिमाग घुमा हुआ है, चुपचाप टेम हो रहा है तो बता दे, टेम हो रहा है कि नहीं बता, टेम हो रहा है कि नहीं मेरे को बता। तेरी लेवल काफ़ी ओपी, इसलिए तेरे को मैं टेम कर रहा हूँ, बाकी और कोई सीन नहीं है। ये ले चल, ठीक है। बाकी इसका कितना है भाई? इसको पहले भाई चेपने दो पहले भाई। अच्छा वो चला गया, वैसे भग गया गाइस, ठीक है, वरना मैं उसको पेलने वाला था। ले बेटा, ओ इच्छाधारी नाग, अरे बाप रे इच्छाधारी साहब भाई मत नहीं ले, इच्छाधारी साहब के बच्चे निकल रहे। अरे बाप रे इसके ऊपर तो असर ही नहीं पड़ा, इच्छाधारी साहब के ऊपर असर नहीं पड़ा गाइस। रुक जाओ, ये बैठना अंकल पट से कलाना कर। अरे तू 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 बेटा पैसिव रे भाई, तू बेटा पैसिव रे, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज 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 पैसिव रहना, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी तेरे को क्या चाहिए? मिर्च चाहिए ना? रुक जाओ, ओ कोई तो पोषण मिला यार मेरे को, और किसको मारने से मिला ये मेरे को पता नहीं है, पोषण तो मिला है भाई। ठीक है टेमल पर लेके आओ, तो इसको भाई आराम से टेम कर सकता हूँ मैं। ओके तो इसके अंदर अपन को मिट डाल देना है, एक्सपी पोषण मिला है मेरे को, अच्छी बात है भाई। टेमल पर 106 लेके आया हो, खा ले भाई ठूस ले, चल जल्दी टेम हो जा चल भाई। कितना 40%? ठीक है इजी पीजी ब्रो, 560 लेवल है, काफ़ी ज़्यादा ओपी लेवल का मिला है। और गाइस आपने भाई काफ़ी ज़्यादा बार देखा होगा कि लाइटनिंग वाले कुछ डायनोस होते हैं ना, वो टॉर्पोर दे सकते हैं अपने लाइटनिंग रे से। अगर ये रेक्स अपने मुंह से लाइटनिंग रे छोड़ता है, तो ये जो ना पॉइजन वाले भाई जो भाई डायनोस होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे टॉर्पोर दे पाएगा। ठीक है देखते चलो, वैसे मेरे को पॉइजन वाला एक रेक्स भी दिखा है, पॉइजन लाइट, ओ एक मिनट रुक जाओ, पॉइजन लाइटनिंग एंड फायर, ओ यार ये तो चाहिए था दो। भाई मिला दो एनाकोंडा, और क्या लिखा हुआ है? यूज अननोन पॉइजन टॉर्पोर टाइप, सो नथिंग इज ओके, एक मिनट रुक जाओ, नथिंग इज इमिन टू इट भाई। ठीक है चलो मेरे को बता भाई, बिग ग्रीन स्नेक अटैक कैन बी ओनली नॉक्ड आउट बाय प्राइम ट्रैंक प्राइम पॉइजन पाइक, और प्राइम ट्रैंक एंड प्राइम पॉइजन पाइक, पॉइजन प्राइम है, प्राइम प्राइम जर्नी मैन पॉइजन। अरे नहीं यार प्राइम पॉइजन चाहिए ना, प्राइम पॉइजन चाहिए, प्राइम पॉइजन है क्या? पॉइजन है खाली, इटर्नल अल्फा पॉइजन नहीं है यार। प्राइम मिले प्राइम के लिए भाई, एक मिनट रुक जाओ, प्राइम अगर पॉइजन पाइक बना लेता हूँ मैं, तो इस एनाकोंडा को मैं नॉक कर पाऊंगा भाई। ठीक है ये एनाकोंडा को चांसेस ज़्यादा नहीं है उससे उसको नॉकआउट करने के, बट फिर भी शायद मैं कर पाऊंगा गाइस उसको। ठीक है मैं देख लेता हूँ, रुको पहले मेरे को ना एक पॉइजन वाला रेक्स चाहिए भाई एकदम। ये 360 और तू कितना भाई? 360 है ना? ठीक है भाई दोनों के दोनों जो ना गाइस, जो 360 वाले हैं, तो अपन एक काम कर लेते हैं, फटाक से ना इस वाले को भाई कर लेता हूँ, ये मेरा पीछा कर रहा है गाइस। ठीक है इधर आ भाई, इधर आ लोंडे, चल बेटा। ओए मरने के बाद होगा क्या? हाँ हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस वाले को भी जो है ना जो कर लो, बट मेरे को इवोल्यूशन पोशन चाहिए होगा, पॉइजन छोड़ लो भाई। आप मुँह के नज़दीक जाता कि काट सके भाई, मैं भी ना पागल बना करता हूँ भाई, उसके मुँह के नज़दीक जा रहा था भाई, अरे काट के मेरे को मार दे भाई। ये क्या दिख रहा है? घुर क्या रहा है? दुख क्या है? घुर घुर के देख रहा है, भेज गया कभी तू मेरा है ओनली माइन। चलो जा चल जल्दी, ये मुझा चल लोंडे, वी आर न्यू एनपीसी ट्राइब। रुक तेरे को बताता, एनपीसी से बातें कर रहा भाई, बताओ कैसे दिन आ गए भाई, बताओ कैसे दिन आ गए, एनपीसी से बातें कर रहा भाई जी के। आ जा लंडे, ओके ठीक है चलो आ जाओ, लेट्स गो। पॉइजन हो गया, फायर मेरे पास गाइस रेक्स पड़ा हुआ है, बट क्या बताए वो लो लेवल का है, और मेरे को लो लेवल के जो ना गाइस डायनोस नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। छोड़ो गाइस, अभी मेरे को गाइस एक टेस्ट करना है कि पॉइजन वाले लोंडे जो रेक्स बिग से, वो यहाँ पे किसी को टॉर्पर दे सकते कि नहीं, पॉइजन और खास करके लाइटनिंग वाला भाई। ठीक है क्योंकि लाइटनिंग वाले डायनो जो ना गए जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टॉर्पोर देने का काम करते हैं, और मैंने पहले भी चलाया गाइस उन डायनो को, तो मेरे को पता है भाई। ठीक है
बाकी अभी ये शील्ड की जो ना कहीं जरूरत नहीं है, तो शील्ड में हटा देता हूँ। ये देख रहे हो, ये रहा अपना फायर रेक्स, ठीक है। और मेरे को सैडल बनाना पड़ेगा इन लोगों का भाई, ठीक है। मैं इन लोग का जो ना कहीं सबसे पहले सैडल बना लेता हूँ। तो सैडल जो है ना कहीं, वो तो पहले भाई मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा ना। एलिमेंटल वाले क्या रेक्स सैडल है, बाकी तो अल्फा इंटो में से भाई अल्फा रेक्स सैडल, अल्फा रेक्स सैडल की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, रेक्स सैडल से काम बन जाएगा। क्योंकि अल्फा टायर के जो ना कहीं रेक्सेस को अल्फा रेक्स सैडल लगता है, बट अपन के पास अल्फा टायर के रेक्स नहीं है, ये तो एलिमेंट एलिमेंट वाले है ना गाइज, तो यहाँ पे चल जाएगा काम। ये क्या है भाई, रिजनरेट फूड। भाई ये क्या दे रहे हो, ये रिजनरेट फूड क्या करूँ मैं खुद को खिला होगा यार। रिजनरेशन भाई पोशन, रिजनरेट फूड बोले, मेरे को लगा कुछ अच्छा वाला पोशन मिला होगा, फालतू पोशन मिला है, किसी काम का नहीं है। आ जाओ बाकी, अभी आपको एक एक करके जो ना सारे रेक्सेस को मैं दिखा देता हूँ, बाहर लेके जाके दिखा दूँ क्या भाई, बाहर खतरा हो सकता है बट थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो आपको हमारी रेक्स आर्मी दिखा देगा, ठीक है। ए भाई दरवाजा ओपन करना होता है, दरवाजा भाई, ठीक है। हाँ जी, ये कोई खतरा तो नहीं है ना, दिख तो नहीं रहा खतरा बाकी। अब रेक्सी 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 ब्रो, रेक्सी 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 ना बोल दे मेरे बच्ची, ठीक है। मेरे बच्ची के दिल में गाइस नाम चाहिए, सारे रेक्सेस के लिए नाम चाहिए। बाकी भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे को देखना है गाइस, ठीक है। नाम तो चाहिए बट बाकी काम कर रहे कि नहीं देखना पड़ेगा, मतलब जिस काम के लिए। ओहो ये है एक रेक्स मिक्स है, मिसिंग है सॉरी, वो एक गाइस हमारा आइस वाला रेक्स। और आइस वाला रेक्स जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी इनकी फौज में शामिल होने वाला है, उसके लिए मेरे को कोई तो इनमें से एक रेक्स डबल टेम करना पड़ेगा और उसको आइस इवोल्यूशन पोशन देना पड़ेगा। बाकी भाई फायर रेक्स, भाई रुक जाओ पहले मैं अटैक देख लेता हूँ क्या है। फायर अटैक, वेल डन वेल डन वेल डन, फायर रेक्स जो है ना फायर अटैक दे रहा है गाइस, दिखने में खतरनाक लग रहा है गाइस, दिखने में खतरनाक लग रहा है। क्या बोलती पब्लिक, बाकी आपको जो ना सारे रेक्स का मैं लुक दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। मैं इनको चला पिला के आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि गाइस इनको अगर मैं चलाने के लिए लेके जाऊंगा ना तो उल्टा ये लोग ही मर जाएंगे गाइस, ठीक है। ये लोग ही मर जाएंगे, समझ रहे हो। ये क्या छोड़ता हूँ, लाइटनिंग रे गाइस, लाइटनिंग रे यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए भाई, यही चाहिए। और पॉइजन वाला बेटा, फायर वाला जो ना गाइस उसका अभी मेरे को फिलहाल के लिए कोई यूज नहीं है, फायर छोड़ रहा है वो, फ्यूचर में काम आ सकता है बर्निंग अटैक देने में, बाकी किसी काम नहीं आएगा अभी मेरे फिलहाल के लिए, ठीक है। तू क्या कर रहा है, फायर पो पॉइजन ब्रीथ, ओपी बोलते ग्रीन हल्क, खतरनाक। इसके लिए ग्रीन हल्क नाम दे सकते, बाकी गाइस तीनों के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में डाल देना भाई, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, पहले तो इसको क्राइ करूंगा, देन उसके बाद इसको कर लेगा, उसके बाद भाई यहाँ पे चल के इसको जो ना कहीं सैडल बना देता हूँ। तो वो क्या चेक करना होता है क्या, इसका टॉर्पो, ठीक है। लोंडे का टॉर्पो ये कितना दे पा रहा है ना वो चेकआउट कर लेना भाई, अंदर डाल भाई घन, हाँ ठीक है। मेरे को बता टॉर्पो कितना दे सकता है, रेंदे भाई रेंदे, तेरे से हो पाएगा कि नहीं भाई। 8.69 नाइस वन, क्या मैं इसको नॉकआउट कर पाऊंगा, 10.6 ना नॉकआउट तो हो नहीं पाया, बट मेरे को थोड़ी सी उम्मीद लग रही है, मैं इसकी थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ और थोड़े से गाइस ज़्यादा नहीं, थोड़े से पावरफुल डायनोस के सामने जाके चेकआउट कर लेता हूँ भाई, ठीक है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा डैमेज भी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसका जितना ज़्यादा डैमेज रहेगा मे बी इसका भाई टॉर्पोर जो ना गाइस वो भाई उतना ही ज़्यादा तगड़ी तरीके से पड़ेगा, मतलब ये उतने ज़्यादा तगड़ी तरीके से किसी को टॉर्पोर दे पाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे डायनोस देखे थे, जैसे कि ओ बेटा नहीं इससे पंगा नहीं यार, कितना है 1.9 है, इससे पंगा क्या कर लूँगा इस लू, क्या रिस्क है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रिस्क है भाई, रिस्क है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रिस्क है, ट्राई कर सकता हूँ। इसको बफ मिल रहा है ऊपर से गाइस, लोंडा अगर बावड़ा हो गया ना, ताज़ा ताज़ा टेम करा हुआ रेक्स जो है ना जो मारा जाएगा। एक काम कर लेता हूँ, इसके ऊपर ट्राई कर लेता हूँ, रेन दो भाई, मरवाना नहीं चाहता आज के लिए, एक जो भाई कुर्बानी गई है ना कहीं सबसे लोडे की कोई ना, 5,000 9,000 ठीक है, 10,000 तक भाई 2 मिलियन टॉर्पर कैसे दे पाएगा बेटा तू, 2 मिलियन टॉर्पर कैसे ये नहीं दे पाएगा, इससे ना हो पाएगा भाई। बाई अटैक का कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, बट बाई अटैक में डैमेज भी उतना ही तगड़ा वाला देगा कैसे, बाइट अटैक जो ना कहीं वो दे रहा है भाई अच्छा वाला खास, अच्छा खासा टॉर्पर दे रहा है, बट गाइस क्या किसी को भाई 2 मिलियन वाले बंदे को नॉकआउट कर सकता है, ट्राई कर ले तेरे को, नहीं यार नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। बाकी ये ट्राई को नॉकबैक दे रहा है गाइस, ट्राई को नॉकबैक दे रहा है, देखना ब्लीडिंग, वो 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 ब्लीडिंग बिटवा, ब्लीडिंग दे रहा है ट्राई के बच्चे, रुक जा भाई तेरे फाट देता हूँ बच्ची, इधर इधर ट्राई को बेस की हथिया मारू तेरे, हैं नॉकबैक देते रहे,
देते रहे। अरे पागल बच्चे, अबे ये ट्रैक फाड़ देगा, हमारे ही बच्चे भाई। माउस खराब है मेरा, माउस भाई मेरा माउस, माउस मरवा के मानेगा। अरे माउस मरवा के मानेगा, अरे माउस मरवा के मानेगा। बाकी एक मिनट काम कर ले, एक काम कर ले, टॉर्पोर दे रहा है लुंडा, लुंडा टॉर्पोर दे रहा है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। एक काम कर ले, कल्टेश्वरी परफॉर्मेंस मार ले चुपचाप भाई। भाई इसने टॉर्पोर ना मेरे भाई यहाँ पे रिज का हाफ चढ़ा दिया है, हाफ हाफ से भी ज्यादा टॉर्पोर चढ़ा दिया है। मैं नहीं चाहता गाइस कि यहाँ पे जो ना गाइस बैंड बज जाए अपने रिग्स की, जैसे ऑर्डर की बची थी, अटक गया था यार। रुक जा तेरे लिए मैं दूसरा लेके आता हूँ, दूसरा लेके आऊंगा तू पिज्जा का कर रहा है यार भाई, एकदम सीरियस ले लेता भाई तू। लोग ले तुझे, ले किसको मारेगा, किसको मारेगा रे हैं लाड में। अरे ट्राई भाई टिप्स एंड ट्रिक्स हमको भी बता बेटा, ठीक है लाड में नहीं आने का ज्यादा, चलो आ जाओ। बाकी पॉइजन वाला कौन सा वाला है, पॉइजन ट्रिक्स को निकाल लेता हूँ, ठीक है। भाई अपने माउस जो ना जो लेफ्ट एंड राइट क्लिक ना एक साथ कर लेता है, ठीक है। ये ग्लिच के कारण मैंने नया वाला माउस लगाया था, बट उससे मेरे को हैंडल नहीं करा जा रहा यार, समझ रहे हो। ये देखो भाई इसका टॉर्पोर देख रहे हो, अभी थोड़ा उतर गया लेकिन काफी तगड़ा वाला टॉर्पोर चढ़ाया था। अच्छा क्राई हो जा बेटा, इसके अंदर जो ना अपन भाई रिच का सैडल डाल देते हैं। बाकी इसकी हेल्थ भी मेरे को भाई करनी पड़ेगी एकदम तगड़ी वाली। मैं इनका जो ना डैमेज इसलिए बढ़ा रहा हूँ और इनका इतना ज्यादा टेस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को एटलीस्ट एक ऐसा डायनो मिले जिससे मैं किसी को भी नॉकआउट कर सकूँ, समझ रहे हो। मेरे पास ऐसा एक भी डायनो नहीं है जिससे मैं किसी को भी नॉकआउट कर सकता हूँ। मैंने सोचा भाई हाथ चले इसको नॉकआउट कर लेते, तो ऐसा कोई भी डायनो नहीं है कि मैं डायरेक्टली जाके भाई दो दो मिलियन वाले जो ना इस लूडो को नॉकआउट कर सकता हूँ, समझ रहे हो। इसलिए भाई मैं थोड़ा सा भाई यहाँ पे तुड़ुक जाम कर रहा हूँ, और कोई सीन नहीं है। बाकी 30 370 भाई हेलो दोस्तों, अरे अरे लोंडे गाइस मिल गया भाई, मिल गया भाई टॉर्पोर किंग। लोंडे 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 तेरे तो हेल्थ बढ़ाऊंगा, इसको असेंडेड सैडल पहना देना सबसे पहली चीज। रिक्स का असेंडेड वाला जो है ना गाइस सैडल यहाँ पे इसको पहना देना भाई। बॉस फाइट ब्रो, बॉस फाइट भाई यहाँ पे भाई, तुमको एलिमेंट चाहिए तो बॉस फाइट कर लो, और कोई चार्ज नहीं है भाई। गाइज ये लोंडे को ना असेंडेड वाला सैडल पहनाना है गाइज, देखना। अगर मैंने अभी टेस्ट नहीं करा होता तो मेरे को पता चलता कि हमारा ये पॉइजन वाला रिक्स इतना खतरनाक होता है भाई, नॉकआउट कर डाला इसे चुटकियों में। बाकी इसको मैं टेम नहीं कर सकता, इसको टेम करने के लिए मेरे को जो है ना गाइज इंस्टेंट मिर्च चाहिए होता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए अपने औकात से बाहर है। अपन जो एक मिनट फुटबॉल डाउन कर रहा है क्या, अरे फुटबार भी डाउन कर रहा है गाइस डायरेक्टली साथ में, मतलब हमको टेमर पर डालने की जरूरत नहीं। अगर मैं किसी को भी अपने रेक से नॉकआउट करता हूं तो गाइस मजा आ गया भाई, मजा आ गया गाइस। अभी तो ना गाइस इस रेक से जो ना गाइस फुल टू दबाए मजा आ गया गाइस, पॉइजन रेक जो ना गाइस वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक वाला साबित हुआ है यार हमारे लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा गेम जो ना गाइस वो चेंज करने वाला है गाइस हमारा भाई, इससे जो ना गाइस हम किसी भी डायनो को अभी नॉकआउट कर सकते हैं। हां वो जो वहां पे सांप है उसको छोड़ के, सांप को जो ना गाइज नॉकआउट करने के लिए हमको इस टायर के डायनो नहीं चाहिए, इस टायर के डायनो से वो नॉकआउट नहीं होगा। बट फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा उसको नॉकआउट करने की, बट चांसेस काफी कम है कि वो अपने पॉइजन रेक से नॉकआउट होगा, उसको 0% टॉर्पोर चढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए ना हमको हाई टायर के डायनो जो ना गाइज वो चाहिए होते। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, देखता हूँ चलो कि अगले एपिसोड में होता क्या है। फिलहाल के लिए गाइज आज के एपिसोड में नहीं बोल सकता कि ओपी रहा, क्योंकि गाइज हमारा प्यारा प्यारा सा ऑर्डर जिसको टेम करके मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था, जिसके लिए आपने भी काफ़ी सारे नाम शायद से नीचे कमेंट में डाले होंगे, वो ऑर्डर गाइस अभी हमारे साथ नहीं रहा था, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे गलती अभी मेरी भी नहीं थी, गलती ऑर्डर की भी नहीं थी, गलती भेज के गेम की थी। गेम जो ना बिक चुका है यार, बिक गई है, गवर्नमेंट सारे मिलके पागल बना रहे हमको गाइस, ठीक है सारे मिलके पागल बना रहे। बाकी गाइस हमने आज 3 रेक्स टेम करे, तो तीनों के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में डालना नहीं भूलना, और नाम ऐसे डालना कि गाइस यहाँ पे जो ना गाइस लाइक हाँ पॉइजन रेक्स के लिए ये नाम, रेड वाला जो फायर रेक्स है इसके लिए भाई फायर किंग नाम, ये हमारा लाइटनिंग रेक्स है इसके लिए थॉर नाम, थॉर में डालना, थॉर हमने दे दिया है। बाकी आज का जो ना गाइस शाउट आउट किसी एक बंदे को मिलने वाला था, जो कि शाउट आउट था हमारे गाइस ग्रिफिन के लिए, बट ग्रिफिन हमारे बीच नहीं रहा तो उस बंदे को शाउट आउट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नामकरण करने से पहले बेचारा मर गया यार। कोई ना चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते सीधा भाई आर्क डू और डाई के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी रेक्स आर्मी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है मिलते अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय बाय लोग।
late now. I remember you and me and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk